नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धासु बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास। कौन सा चैप्टर है? ग्रामीण विकास हमारा चैप्टर है और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 हमने कर लिया, हमने इसका परिचय पढ़ लिया, ग्रामीण विकास क्या है वो जान लिया। तो आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज एक बड़े टॉपिक पे बड़ी चर्चा होने वाली है, वो है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, रूरल जो एरिया है, उसमें साख और विपणन की बात करनी है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग की हम लोगों को बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि साख और विपणन का क्या माजना है, क्या है ये शब्द, क्या है, इनको समझना बड़ा जरूरी है। जब भी अगर हम बात करें साख की, जब बात आती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा क्रेडिट, ठीक है, या हम आम भाषा में इसको कह सकते हैं कि एक उधार की बात कर रहे हैं। जनरली क्या है कि पहले के समय में जो बात कही जाती थी साख के लिए, जो कहा जाता था वो एक प्रकार से उस व्यक्ति की गुडविल के लिए कहा जाता था। गुडविल जो शब्द है वो कॉमर्स में इस्तेमाल करा जाता है, मतलब एक व्यक्ति की इमेज कैसी है उसके साख कहा जाता था। अब इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, वो इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आज आपसे एक व्यक्ति पैसे उधार लेने आता है, पर उस व्यक्ति का आपको पता है गांव में व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शराब पीता है, सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, आप ऐसे व्यक्ति को पैसे दोगे? नहीं दोगे। तो उसकी साख, उसकी इमेज डाउन है, इसलिए उसको पैसा भी कम ही उधार मिल पाता है। और कोई व्यक्ति है चाहे कमाता कम हो परंतु पता है बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, सबसे बड़े अच्छा बना करके रखता है, पहले भी मुझसे पैसे लिए थे, समय पर उसने पैसे चुका दिए, पूरा ब्याज या सब दिया, आप उसको पैसे दे दोगे? वो 10,000 मांगेगा 10,000 दे दोगे, 1,00,000 मांगेगा 1,00,000 दे दोगे, आप दे दोगे, क्योंकि उस पर विश्वास है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है। तो साख कहाँ से जोड़ी गई? गुडविल से, एक व्यक्ति की इमेज से जोड़ी गई है। तो साख पर आज की इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम बैंकिंग सिस्टम में बात करें तो क्रेडिट होता है या इसका अर्थ उधार होता है, ये चीज आपने क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। आपके पास अगर कहीं पर शब्द लिखा हुआ हो साख या उधार, या लिखा हुआ हो ऋण, या आपको लिखा हुआ कहीं पर मिल जाए लोन, ये जो सब शब्द है ना बेटा, इन सब शब्दों का मतलब है कि पैसा उधार लेना। अब ये उधार क्यों? अब ग्रामीण क्षेत्र को में, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में किसको उधार की आवश्यकता है, किसको पैसा चाहिए? कृषि के विकास के लिए, मेन तो कृषि का विकास है, तो कृषि के लिए क्या करा जाए? उधार दिया जाए, लोगों को लोन दिया जाए। और लोन कैसा दिया जाए? सस्ती दरों पर दिया जाए बेटा, मतलब ज्यादा ब्याज ना ला करके कम ब्याज में उनको बहुत ज्यादा पैसा देना चाहिए, जिससे कि वो नए नए औजार खरीद सके, नए बीज खरीद सके, ठीक है, सिंचाई की जो सुविधा है वो अच्छे से करवा सके। तो सरकार को या बैंकों को क्या करना चाहिए? सस्ती दर पे, मतलब कम ब्याज पे किसानों को लोन देना चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बच्चों मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मतलब क्या है? देखिए यहां पर क्या है, पैसा एक बार व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ लगाने के लिए नहीं, उसको पूरा एंडिंग तक पैसा चाहिए, जब तक उसका सामान बिक नहीं जाता तब तक, ठीक है, उसको जैसे बीज लाकर खरीद करके लाएगा, उसको उगाएगा, उसको पूरे 6 महीने 4 महीने जितने तक की फसल होती है उसका पूरा ध्यान रखता है और करता है, फिर उसको उसको बेचने के लिए, ठीक है, उसके बेचने के लिए सही व्यक्ति जो होने चाहिए, इन्हीं के पास जो बेचने का है जाना चाहिए, मुझे सही आय मिलनी चाहिए। मतलब मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर वो वाला नहीं कि एडवर्टाइजमेंट कर दिया और कर दिया, वो वाली मार्केटिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मार्केटिंग की बात हो रही है कि जो किसान है उसको मार्केट में सही दाम उसको मिले, उसके पास इतनी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि वो सही दाम ले सके। जैसे कि सुविधाओं में क्या, जैसे पहले किसानों के पास क्या कि भंडार की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो जैसे मान लो मैं किसान हूं, मुझे आज बेच करके आना है, मैं रख ही नहीं सकता, रखने की जगह ही नहीं मेरे पास, खराब हो जाएगा, भंडार की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो वो भंडारण की सुविधाएं सरकारों ने बढ़ाई और करी। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों को में साख, मतलब सस्ते दर पर उधार देना और उनका बाजार में सही रेट पर उनका जो सामान है वो बिके, उसके लिए काम करना, वही बात आज के लेक्चर में हमको करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साख, या जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट। क्या? क्रेडिट। कृषि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो देखिए जो कृषि अर्थव्यवस्था है, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित इकोनॉमी है, ये आप सभी को पता है कि हम शुरुआत से कृषि व्यवस्था पर ज़्यादा निर्भर रहे हैं, कृषि व्यवस्था पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रही है, तो हम कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।
अब कृषि अर्थव्यवस्था में अगर संवृद्धि करनी है, अगर बढ़ोतरी करनी है, तो कृषि क्या तो उत्पादकता बढ़ानी है कि मतलब कृषि में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। क्यों? क्योंकि मेन काम तो हमारा वही है। आज जैसे मान लो भाई मेरा मेन काम टीचिंग है, तो टीचिंग तो बेहतर होनी चाहिए, उसके साथ साथ और कुछ काम कर सकूं वो बहुत अच्छी बात है। तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, तो कृषि में तो उत्पादकता बढ़नी बढ़नी चाहिए, परंतु उसके साथ कोई दूसरे ऐसे कार्य हैं जो गैर कृषि के। अब जो काम कृषि से या एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से नहीं जुड़ा हुआ, वो सारे के सारे काम नॉन एग्रीकल्चर में या नॉन फार्मिंग में, गैर कृषि कार्यों में आ जाते हैं। इनमें उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता को प्राप्त करने के लिए, कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ जो निर्भर करता है वो पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम कितनी पूंजी खर्च करते हैं। भैया आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आप कम पैसा खर्च करोगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो पूंजी का प्रयोग बड़ा निर्भर होता है। जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति की या ग्रीन रिवॉल्यूशन की। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले क्या हुआ करता था कि जो किसान है वो पुराने बीजों से और पुरानी टेक्निक से ही क्या करा करता था, उत्पादन किया करता था। परंतु उसके बाद सरकार नए बीज लेकर के आई, नए नए औजार लेकर करके आई, उसके ट्रैक्टर लेकर के आई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स क्या होते हैं, मतलब जो पुराने बीज थे उनकी तुलना में HYV सीड्स मतलब ज्यादा उत्पादकता देने वाले थे। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इनको कहा जाता है, उच्च उत्पादकता देने वाले बीज उनको कहा जाता है। तो मतलब सरकार ने थोड़ा सा बदलाव हरित क्रांति के द्वारा करा और हमारा उत्पादन इतना बढ़ा कि इस हरित क्रांति से पहले हम लोगों को अनाज अमेरिका से मंगवाना पड़ता था, पर फिर उसके बाद भारत आत्मनिर्भर हो जाता है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको किसी के निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कितना पैसा हम लोग खर्चा करते हैं, तो फिर उसमें सरकार ने पैसा खर्चा और इन्वेस्ट करा और थोड़ा सा बेहतर उसको बनाया और हमने आत्मनिर्भरता हासिल करी। तो चाहे कृषि के कार्य हो चाहे गैर कृषि के कार्य हो, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए हमें पूंजी कितनी खर्च करते हैं उस पर निर्भर करता है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। तो जब आप खेतों में बीज का रोपण करते हो, मतलब बीज रोपते हो, और उस समय से लेकर फसल जो पकने का समय तक होता है, ये एक बहुत लंबा समय है आपको आमदनी के लिए, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आमदनी आने तक का जो इंतजार है वो बहुत लंबा इंतजार है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। अब देखिए, बीजारोपण से फसल पकने तक और उसके बाद मार्केट में बिकने तक, ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म है, ये एक लंबा टाइम पीरियड है। अब इस लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या है कि अब अगर उसको अगली फसल उगानी है तो उसके लिए उसको बीज चाहिए। ठीक है, बीज आप समझते हैं। उर्वरक का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से फर्टिलाइजर, इंग्लिश में कहा जाता है, और खाद कहते हैं अपन लोग, मतलब जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, वो ज्यादा बढ़ेगी, मतलब वो ज्यादा और भी उत्पादन कर करके देगी। जैसे कि अपन कह सकते हैं जो गाय का गोबर है वो मिट्टी में मिला दिया जाता है तो एक प्रकार से खाद के रूप में काम करता है। औजार मतलब कोई ट्रैक्टर हो गया या और कुछ हो गया, जो भी औजार है वो, इन सबको खरीदने के लिए या इनको और बेहतर बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। किसको? किसानों को। क्यों? क्योंकि इनकम का जो वेट है वो लंबे समय का है, लंबे समय बाद इनकम आएगी, पर जब तक तो काम चलता रहे उसके लिए उनको ऋण लेना ही पड़ता है। ये तस्वीर आपको खेत की दिखाई है। यही नहीं, अभी रुकिए, ठीक है, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही सारा रहता है। अब देखो, ये तो जो इनका काम था भाई, ये तो उस काम के लिए लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप और खेती बाड़ी में पैसा नहीं लगाओगे तो कैसे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब बीज भी लगाने हैं, उर्वरक भी लाने हैं, औजार भी लाने हैं, तो उसके लिए तो उधार लेना ही पड़ रहा है। परंतु उसके साथ साथ कोई पारिवारिक निर्वाह, मतलब खुद के परिवार को निर्वाह कराने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की शादी करना है, किसी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उसके कहीं पर आना जाना है, धार्मिक अनुष्ठान है, कोई पूजा पाठ हो गई, और कुछ हो गया, कोई वार त्यौहार आ गए, इन सब के लिए भी अगर खर्चा करना है तो उनको कर्जा ही लेना पड़ता है, लोन ही लेना पड़ता है। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेरा फेरी का ऐसा कुछ उकर चला रहे थे कि वे कभी भी ऋण पास से मुक्त नहीं हो पाते थे। देखिए, अब आज़ादी से पहले तक की बात क्या है, और आज भी काफ़ी गांवों में क्या है, महाजन और जो व्यापारी होते हैं वो छोटे सीमांत या जो गरीब पिछड़े लोग होते हैं उनको उधार देने का काम करते हैं। ठीक है, महाजन मतलब वह व्यक्ति है जो कि उधार देने का काम कर रहा है जनरली, इनको इंग्लिश में मनी लेंडर्स कहा जाता है, कि मनी को उधार देने वाले जो व्यक्ति हैं। अब इन लोगों के पास खूब पैसा हुआ करता था। अब जैसे मान लीजिए छोटे और सीमांत किसान का मतलब क्या है, जो कि थोड़े से उनके पास कम जमीन है, खेती बाड़ी करने के लिए कम जमीन है, उत्पादन उनका कम होता है, और थोड़े से किसान जो है वो पिछड़े में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन होती ही नहीं है, जिनको भूमिहीन कहा जाता है, वो दूसरों की जमीनों पर जाकर के काम करते हैं, मतलब मजदूर हैं वो।
तो इन छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूर क्या है, बहुत उचित दर से ब्याज वसूलते थे। अब क्या है कि अब इन लोगों को पैसा तो चाहिए भैया काम धंधा करने के लिए, घर के परिवार का खर्चा चलाने के लिए, अपने जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब वो पैसा चाहिए तो वो पैसा लाए कहाँ से? इतना पहले बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं था, और बैंकिंग सिस्टम में आज भी व्यक्ति एक बार जाने से कतराता है, यार बहुत से फॉर्म भरवाएंगे, ये पूछेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन से नहीं है, तो इंसान थोड़ा सा डरता है। पर महाजन और व्यापारी कौन है? ये गाँव के बड़े बड़े लोग हैं, सेठ जिनको कहा जाता है। गए सेठ जी थोड़ी सी दया करें, सेठ जी 20,000 रुपये की जरूरत है, चुका दूंगा। अब ये महाजन व्यापारी की अच्छी बात ये थी कि ये बिना कोई लिखा पढ़ाई करे दे देते थे, ले जा भाई ले जा, कितने दिनों बाद चुकाएगा? 6 महीने बाद। परंतु ये ब्याज बहुत ज़्यादा लेगा, तो देख 6 महीने बाद ये है 5,000 रुपये और ऊपर दे दियो, ब्याज है तेरा 5,000 6 महीनों का, ठीक है सब दे दूंगा। अब 25,000 रुपये ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है, इन्होंने कोई लिखा पढ़ी नहीं करी और कुछ नहीं करा, तो अब जैसे जब पैसे कोई चुकाने आता है और कहना, हाँ भाई 20 लेकर के गया था, यही है हेराफेरी का, ऐसा कुछ चक्कर नहीं। अब वो बेचारा छोटा आदमी होता है, नहीं नहीं महाराज मालिक 20, तू मेरे से जवान लड़ाएगा? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी डायरी झूठ बोल रही है, तू 20 नहीं 30 लेकर के गया था और मैंने तुझे 5,000 का ब्याज बोला था, 35,000 रुपये दे, तू 25 लाया, 10 लाया नहीं, चल 10 लेकर के आइयो 10 दिन बाद 3 दिन बाद। तो इस प्रकार से हेरा फेरी का कूचक्कर चला, तो खूब ज़्यादा ब्याज किसानों से या उन गरीब लोगों से लिया जाता था, जो कि गलत है। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। सामाजिक बैंकिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि 1969 में जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी का झुकाव समाजवाद की तरफ बहुत ज़्यादा था, नेहरू जी से भी ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है प्राइवेट बैंकों को सरकार के अंडर कंट्रोल में ले लेना। तो 14 ऐसे बैंक थे जिनको सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब सरकार के कंट्रोल के हिसाब से चलेंगे, सरकार जिनको कहेगी उनको लोन देंगे, सरकार जैसा बोलेगी उस हिसाब से काम करेंगे। तो सामाजिक बैंकिंग करी, मतलब समाज के हित के लिए बैंकिंग की जो व्यवस्था आरंभ करी, ये एक बड़ा बदलाव सरकार का था। ग्रामीण शाख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया, और ग्रामीण लोगों में जो साख की जो उधार की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए बहु संस्था व्यवस्थाओं का सहारा लिया गया। मतलब एक दो नहीं, बहुत सारी संस्थाएं खोली गई हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखाई गई है बैंक की। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको कहा जाता है नाबार्ड। क्या कहा जाता है? नाबार्ड। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, एक मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। और क्या है इसकी फुल फॉर्म? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ये बैंक क्या करता है, उधार देता है। मतलब एक्चुअल में नाबार्ड खुद नहीं, नाबार्ड नीचे के स्तर पर उधार देता है, फिर वो लोगों को उधार देते हैं। नाबार्ड की स्थापना की गई, ये बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। मतलब ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय, ग्रामीण वित्त का मतलब यहाँ पे फाइनेंस है, पैसा है, तो पैसों की व्यवस्था के लिए समन्वय, तालमेल बिठाने के लिए कि ग्रामीण विकास में कितना पैसा हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, बैंक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो इन सब का समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है ये नाबार्ड का लोगो आपको यहाँ पर दिखाया गया। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की है। अब देखिए, हरित क्रांति से भी ग्रामीण विकास में बहुत बड़ा योगदान मिला है। अब हरित क्रांति, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कृषि से जुड़ी हुई है, इसको इसलिए इसको हरित क्रांति कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या, जब हम आज़ाद हुए, हम जब ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे या यूरोपियंस भारत नहीं आए थे ना बच्चों, भारत की बहुत अच्छी स्थिति थी, सच में बहुत अच्छी स्थिति थी। सामाजिक हालात हो सकते हैं बुरे हों, ठीक है, परंतु आर्थिक रूप से अगर हम देखें बहुत अच्छी स्थिति थी। भारत की जीडीपी 25-25, 30-30% हुआ करती थी, जो कि 2% में वो लोग छोड़ गए। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था इतनी संपन्न, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसको बिल्कुल बेकार कर करके ब्रिटिशर्स चले गए, ठीक है। हमारे जो किसान थे उनकी हालत ख़राब कर दी। आज अगर एक किसान फांसी के झूले पर लटकता है ना, तो हमारे मुँह से एक बार तो जो बुराई का नाम है ना, वो ब्रिटिशर्स का निकलना ही निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा रोल है उन लोगों का। उन्होंने ऐसी स्थितियां बना दी, ये जमींदारी व्यवस्था और व्यवस्था, जिससे कि किसानों की ज़मीनें लूट गई, खूब भारी भारी टैक्स जिनसे ज़मीनें उनकी चली गई, ठीक है, काफ़ी लोगों की ज़मीनों को खाली करवा दिया गया, उनकी ज़मीनों पर एक ही एक प्रकार का बार बार में उत्पाद उगवाना, जिससे उनकी ज़मीनों की जो उर्वरता है वो खत्म हो गई, फर्टिलिटी खत्म हो गई, बंजर हो गई ज़मीन, वो बिल्कुल बेघर हो गए बेचारे। तो ऐसे काम उन्होंने करे और ऐसे कानून उन्होंने बनाए जिससे कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था बिल्कुल
आप कह सकते हैं कि डाउन लेवल पर चली गई, बिल्कुल क्या हो गया, खत्म ही होने लगी। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा था, भारत की आबादी भी बढ़ रही थी, भारत आज़ाद हुआ, आबादी बढ़, अब एक तरफ आबादी बढ़ रही थी और एक तरफ हमारे पास उगाने के इतना संसाधन नहीं थे, जितना जनता को चाहिए था उतना भारत के पास नहीं था। तो अब भारत क्या करता था, बाहर से मंगवाता था, अमेरिका से मंगवाता था, 100 किलो टन मंगवा लिए, 100 टन गेहूँ मंगवा लिए, और कहीं से दालें मंगवा रहा, कहीं से और कुछ करवा रहा है। मतलब वो देश जो कि पूरे विश्व में कृषि अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, वो देश जिसके मसाले, जिस देश की दालें बड़ी फेमस है, उस देश को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा, ये बड़ी दुख की बात थी। फिर 1967 के दौर में आकर के, 67 के आसपास के टाइम पर आकर के, भारत सरकार चावल के और गेहूं के HYV सीड्स लेकर के आती है। HYV सीड्स इनको कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, या उच्च पैदावार वाले बीज, या उच्च उत्पादकता वाले बीज इनको कहा जाता है। इनसे ये कहा गया है कि इनसे क्या होगा भैया, ज़्यादा उत्पादन होगा। अगर पहले कहीं पुराने बीज से अगर थोड़ा सा गेहूं उग रहा था, अब इसे बिल्कुल डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना ज़्यादा गेहूं उगेगा। बोलो, बहुत अच्छी बात है। अब पर ये HYV सीड्स क्या है, इनको ज़्यादा पानी चाहिए, तो पानी की खूब व्यवस्था करनी पड़ी। फिर इनको अब ये क्या है, थोड़े से आप कह सकते हो कि इनको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत चाहिए, तो अब इनको जो फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक है, वो भी केमिकल वाले चाहिए। और पहले जो हमारा किसान था वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता था, वो तो जैसे गाय का गोबर हो गया उसको खाद बना लिया, ठीक है, जो चाय पत्ती हम डालते हैं उसको खाद बना लिया, ठीक है, तो सारी चीज़ें नेचुरल हुआ करती थी। पर अब यहाँ पर ये क्या है, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड या जिसको कीटनाशक कहा जाता है, कीटनाशक भी जो था केमिकल वाला था। कीटनाशक क्या होते हैं कि कभी कभार क्या होता है, पेड़ पौधों पे कोई कीट, कोई जानवर लग जाता है और वो पूरे पौधे को ख़राब कर देता है। तो पहले क्या हुआ करता था, किसान क्या करते थे, नीम देखा ना, नीम के पत्तों को पानी में भिगो दिया, उसको भरा और फिर छिड़क दिया, सारे कीट मर जाया करते थे। पर अब क्या हुआ, अब इन बीजों के लिए आपको केमिकल वाले चाहिए। ये केमिकल के फर्टिलाइज़र, केमिकल के पेस्टिसाइड्स, इनको खरीदने के लिए खूब पैसा चाहिए था, अब बहुत ज़्यादा पैसा इनको चाहिए था। अब इसके अलावा फिर ट्रैक्टर आए और सारी चीज़ आए, बहुत खर्चा इस समय में हुआ। अब किसानों को क्या है, अब सरकार के पास दो राय थी, या तो किसान सरकार क्या करे कि जो बड़े किसान हैं, जो अमीर किसान हैं, सरकार उनको थोड़ा सा और सपोर्ट करे, थोड़े से पैसे उनको और दे और बोले कि साहब आप ये काम करो, HYV सीड्स लेकर के आओ, पानी की व्यवस्था में, केमिकल फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड में, जो भी खर्चा होगा उसका हम पैसा, हम आपको सब्सिडी देंगे, सहायकी देंगे, मतलब थोड़ा पैसा आप लगाना, थोड़ा हम लगाएंगे, पर आप उत्पादन को बढ़ाओ। परंतु अब इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा किसान है वो और भी अमीर होता गया, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत बड़ा, उसने खूब बेचा और खूब बेच कर खूब पैसा कमाया। तो अब वो बड़ा किसान और बड़ा होता गया, छोटा किसान और छोटा होता गया, ठीक है। तो फिर अब आप पूछोगे सवाल कि सर, सरकार ने छोटे किसानों पे पैसा खर्च क्यों नहीं करा। देखो, सरकार छोटे किसानों पे पैसा अगर खर्च करती उस समय, ऐसी बात नहीं कि सरकार ने छोटे किसानों को बिल्कुल ही बंद कर दिया सपोर्ट करना, सपोर्ट कर रही थी सरकार, परंतु उस समय उत्पादन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब छोटे किसानों के पास, खुद के पास जो संसाधन है, जो ज़मीनें हैं वो छोटी हैं, उनके पास ज़्यादा उत्पादन के साधन नहीं है। तो अब भी अगर उन पर ज़्यादा पैसा, मतलब यहाँ पर 10% 10 रुपये लगाने, तो वहाँ 20 रुपये लगाने की जरूरत है, क्योंकि 10 तो पहले इनके बराबर में लाने के लिए और 10 फिर नई टेक्नोलॉजी को इनको खरीदने के लिए। तो एक बार सरकार ने इनको ज़्यादा सपोर्ट करने की सोचा और इनको धीरे 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 इस लेवल में लाने की कोशिश सरकार ने करी है। अब सरकार ने इनको सपोर्ट करा और इससे अच्छी बात तो ये हुई कि हमारा उत्पादन बढ़ गया, हमारे पास बहुत अच्छी आत्मनिर्भरता आ गई, हमें किसी दूसरे देश में निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इस हरित क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन के हुए। सबसे पहले तो अगर बात करूं तो हमारे जो शरीर है ना, वो शरीर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। पहले जो उगाया जाता था वो बिल्कुल शुद्ध था, नेचुरल था, अब तो भैया मतलब जो फर्टिलाइज़र है वो केमिकल वाला है, वो ज़मीन में जा रहा है, ज़मीन से फिर उन पौधों में आ रहा है, फिर हमारा शरीर पूरा ख़राब हो रहा है, हमारे शरीरों में जा रहा है। और आजकल तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उनको सुई लगा लगा करके बिल्कुल ऐसे पक्का अच्छा खासा बना दिया जाता है, वो हमारे शरीर में जा रही है, हमारे शरीरों को बर्बाद कर रही है। तो सबसे पहला तो शारीरिक जो हेल्थ है हमारी, उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ। इसके अलावा इन केमिकल फर्टिलाइज़र, कीटनाशक जो है, उनसे हमारी जो ज़मीन की उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो भी थोड़ी सी कम हो गई। ज़्यादा पानी की खपत लगी तो बड़े बड़े किसानों ने क्या करा, अपने घरों के बाहर बोरिंग, कुएँ खुदवा लिए, जिससे जो कि एक पानी का स्तर होता है ज़मीन में, जिसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है, वो ग्राउंड वाटर भी नीचे होता गया, मतलब पानी की कमी होने गई। इन प्रकार की समस्याओं का हमें हरित क्रांति से सामना करना पड़ा। इसके अलावा आप कह सकते हैं अमीर और गरीब किसान की जो खाई है वो बढ़ गई। और अगर ये जो हरित क्रांति ज़्यादातर जो सक्सेसफुल हुई वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हुई,
मतलब इन इन एरियाओं का काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी विकास हो गया, परंतु बाकी जो एरिया है वो थोड़े से पिछड़ गए। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर भी असमानताएं पैदा हुई, आर्थिक आधार पर भी हुई, और बाकी तो जो मैंने आपको बताया ये हरित क्रांति के कुछ नुकसान थे। परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि नीनी साहब हरित क्रांति बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि उस समय उत्पादन बढ़ाया ये बहुत बड़ी बात थी। अब परंतु अब सरकारें वापस कोशिश कर रही है कि सब कुछ क्या हो, ओरिजिनल हो, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करा जाए, ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करा जाए, जो सब कुछ हो वो जैसे पहले नेचुरल होता था वैसे ही होना चाहिए। और सिक्किम इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जो पूर्ण रूप से ऐसी खेती करता है जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता है। तो सिक्किम को हमारा सलाम। आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्थान हैं, जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित है। ये सस्ते ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती है। देखिए, अब आज हम ग्रामीण बैंक की जो हमारी संस्थागत संरचना है, ठीक है, जो संस्थागत का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत का मतलब है एक संस्था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देगा। देखिए, हम लोन दो जगहों से ले सकते हैं, हम उधार जो है दो जगहों से ले सकते हैं, एक तो संस्था से ले सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन से ले सकते हैं, और दूसरा होता है गैर संस्थागत। अब इस गैर संस्थागत में वो सब आ जाते हैं, जैसे कि कोई महाजन हो गया, कोई बड़ा व्यापारी हो गया, कोई आपके गांव का सेठ हो गया, आपका रिश्तेदार हो गया, आपका दोस्त हो गया, वो सब गैर संस्थागत में आ जाएंगे। अब यहाँ पे संस्थागत संरचना को सरकार ने सुधारना बेहतर समझा। व्यावसायिक बैंक, ठीक है, आपने जितने भी बैंक देखते हैं सारे व्यावसायिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। और बाकी आप जो क्लास 12th में जब समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो हम व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए RRB, रीजनल रूरल बैंक्स में, यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, अगर आपको लिखना हो तो रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, गाँव में बैंक खोले गए। सहकारी तथा भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियाँ बनाई गई। भूमि विकास बैंक क्या है कि जनरली क्या होता था कि लंबे समय के लिए किसान को लोन दिया जाता है, उसमें क्या जैसे उसकी भूमि क्या है बैंक अपने पास गिरवी रख लेता है और 20 साल 25 साल तक के लिए उसको लोन दे देता है कि भाई तू तेरी भूमि का विकास कर, ठीक है, तेरी भूमि का विकास कर। अब इससे बैंक भी सेफ है कि हाँ भाई उसकी भूमि हमारे पास पड़ी है, और 20-25 साल के लिए किसान को भी दे दिया कि तू तेरी भूमि का विकास करने का, तू खुद खूब उत्पादकता बढ़ा, खूब ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कर। ये सभी सस्ती ब्याज दर पर लोन देने का काम करती है, ये आपको ग्रामीण बैंक का दिखाया है। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूह SHG का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित नहीं हुई। देखिए, अभी जो संस्थागत व्यवस्था बनाई गई, मैंने आपको क्या कहा कि आज भी बैंकों तक जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो लोग बैंकों तक नहीं पहुँच पा रहे, वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे। आज गरीब को बैंक तक पहुंचना चाहिए, किसान को बैंक तक पहुंचना चाहिए, दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको बैंकों तक पहुंचना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकों तक पहुंचना चाहिए, महिलाओं को बैंकों तक पहुंचना चाहिए। फिर बैंकों में पहुंचा कौन, बैंकों में पहुंचे अमीर लोग। अब यहां तक कुछ घटनाक्रम तो ऐसा है कि आप देखेंगे क्लास 10th में भी अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो आप इस चीज को समझिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बैंकों की तरफ कम है, शहरों के क्षेत्र के जो लोग हैं वो बैंकों की तरफ ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं या जिनका ज्यादा पैसा है वो बैंकों की तरफ है, और बाकी जो थोड़े कम शिक्षित है वो महाजन सेठ इनके पास जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, महाजन, मुझे पता है कि साहब यहाँ किसान नहीं है, जितने भी लोग हैं मेरे पास ही पैसा लेने आते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन, अब एक अच्छा नागरिक होने के नाते, वैसे मैं अच्छा नागरिक हूँ, ठीक है, एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं उनको कहूँ कि भैया देखो यहाँ आप मेरे से लोन मत लिया करो, क्योंकि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज दर पे देता हूँ। आज बैंक है, बैंक के पास जाओ, सस्ते पे ब्याज देता है, पर वो ऐसा नहीं करता, वो उनमें क्या करेगा, डराएगा उनको, वो सेठ महाजन किसानों को गरीबों को डराएगा, अरे बैंक में चले जाना, तेरी जमीन गिरवी रख लेंगे, तेरे से वो पेपर मांग लेंगे, तेरे से वो पेपर मांग लेंगे, और तेरे पूरे गांव में आकर के तेरी बेइज्जती करेंगे, तेरे से पैसा लेकर के जाएंगे, बैंक मत चले जाना। जी सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, नहीं जाऊंगा बैंक सेठ जी, हाँ मेरे पास ही आ जाएगा, कभी आज तक बता मैंने तेरी जमीन वमीन गिरवी रखी, नहीं रखी ना, अरे यार ब्याज का क्या है, ब्याज तो देर से कभी भी दे दे, जमीन वमीन चली गई भाई बैंकों से, बैंक फिर कानून वानून देख ले, कोर्ट कचहरी हो जाएंगे, मत फालतू में। अब उस व्यक्ति के मन में डरा दिया उसको, और ये व्यक्ति खुद क्या करता है, जो सेठ या महाजन जो साहूकार होते हैं वो बैंकों में जाते हैं और कहते हैं कि बैंक में गए, नमस्कार सर जी हम किसान हैं गांव के और हमें पैसा लेना है, किसान वाला लोन लेना है। अब किसान वाले लोन पे सरकार ने कह रहा है कम ब्याज दर पे दिया करो किसानों को, अब बोला कि साहब 10 लाख रुपए का लोन दे दो,
अच्छा 10 लाख रुपए का लोन दे देते। बोले ठीक ठीक। बोले कितने साल के लिए लोगे? बोले 5 साल के लिए। बोले ठीक है। और ये बैंक ने कहा कि भाई आप किसान हो, इसलिए सरकार ने कह रखा है कि सिर्फ 4% ही ब्याज लेना है आपसे, सबसे बाकियों से 8 लेते हैं, पर किसान से, किसान वाले लोन पे 4% ही लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया लगभग लगभग मैं 10 लाख का 4% निकाल लेता हूं। ये 10 लाख का 4% अपन ने निकाल लिया, तो कितना है 40,000 एक साल का, ठीक है 40,000 एक साल का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और 5 साल का कितना हो गया, 2 लाख। मतलब 5 साल बाद जब पैसा लौटाएगा ये बड़ा किसान, तो 12 लाख रुपए उसको बैंक को लौटाने, ठीक है। अब ये बड़ा किसान 10 लाख रुपए लेकर के आ गया, अब यही क्या करेगा ये किसान, 10 लाख रुपए जो है अपने गांव में आकर के गरीब किसानों को, गरीबों को बांट देगा। अब कोई आया बोला सेठ जी 1 लाख रुपए दे दो। हाँ। बोला कितने साल बाद लौटाएगा? बोले 1 साल बाद लौटाऊं। तो बोले ठीक है 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे जाइए, 1,20,000। ऐसे करता करता वो 5 साल में खूब खुद पैसे कमा लेगा और फिर उनमें से कुछ ले जाकर 12 लाख रुपये बैंक को जमा देगा। कुछ बड़े किसान, बड़े जो व्यापारी हैं, सेठ महाजन साहूकार है, वो भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, वो गरीब जनता, जो अशिक्षित जनता है, वो बैंकों तक नहीं पहुंच पा रही। बस उनको ये डर है कि नहीं नहीं साहब हमसे ये डॉक्यूमेंट ले लेंगे, हमसे ये डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अभी भी क्या है, जो संस्थागत जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाई है। बैंकिंग में जाने से लोग अभी डरते हैं थोड़ा सा, नहीं नहीं साहब बैंकों से, इसलिए लोग सेठ महाजन साहूकार इनके चक्रों में फंसे हैं। फिर एक नया तरीका निकाला गया, दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप, या जिसको कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, कि भैया स्वयं की सहायता स्वयं करेंगे, ठीक है, खुद की सहायता हम ही करेंगे। ऐसा हमने एक समूह बना लिया कि भाई मैं अपनी सहायता करने वाला, मैं भी अपनी सहायता, तो चलो एक सब ग्रुप बना लेते हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति और भगवान भी उसी व्यक्ति की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। तो यहाँ पर अब स्वयं सहायता समूह बनाया गया। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कि जैसे 10-15 लेडीज है वो मिल जाओ। अब वो मिल गई और उन्होंने मान लो कि कहा कि हम महीने की 1,000-1,000 रुपये की बचत करेंगे। लेडीज भी मिल सकती है, कोई भी मिल जाता है, पर जनरली इसमें लेडीज मिलती हैं। तो 15 जैसे लेडीज हैं तो हर महीने के 1,000-1,000 रुपये हो गए, तो 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो 15,000 रुपये है, तो अब 15,000 रुपये जैसे मान लो कभी इस इन आंटी को जरूरत पड़ गई तो इनको दे दिए, ठीक है, और उनसे थोड़ा सा बहुत कम ब्याज ले लिया, बोले अच्छा 6 महीने बाद लौटाओगे 500 रुपये ब्याज के दे देना, ठीक है। फिर इनको अगले महीने इनको जरूरत पड़ गई तो इनको दे दिए। तो अब ऐसे क्या हो गया कि इनका खुद का काम जो है वो बहुत अच्छा चलने लगा, और इसके साथ साथ क्या है, बचत होने लगी, हर महीने 15,000 की बचत होने लगी, खुद के काम निकलने लगे। और इसके अलावा जब यहाँ पर महिलाएं एक साथ बैठा करती है तो उससे क्या है कि उनके साथ जो सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, जैसे मान लो कि घर में उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उनसे ज़्यादा काम करवाए जाते हैं और है, इन बातों का भी क्या है वो डिस्कशन कर लेती हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करती है। और एक क्या है, जब स्वयं सहायता समूह बना लेते हो आप 1-2 साल तक अच्छे तरीके से आप पैसे को बचाना सीख जाते हो और कर लेते हो, तो आप बैंक में जा करके उस समूह के नाम पर भी आप उधार ले सकते हो। और वो उधार क्यों, क्योंकि आप खुद का कोई धंधा शुरू करना चाहो, जैसे मान लो सिलाई मशीन लेकर के सिलाई का काम करना चाहो, या गांव में और भी कोई काम होता हो तो सब रोजगार के लिए, खुद के रोजगार के लिए करना चाहो। तो चूंकि इसके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गया। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्यता के भाव बढ़ाता है। देखिए अब ऋणाधार, ऋणाधार का मतलब क्या है, ऋण मतलब उधार, ठीक है, ऋण मतलब उधार। तो उधार का आधार, उधार का जो आधार जिसको कहा जाता है उसे ऋणाधार कहा जाता है। मतलब अब जैसे बैंक जाओगे तो बैंक वाला बोलेगा भाई हम कैसे उधार दे दें आपको, कल को आपने नहीं चुकाया हमारा पैसा, तो फिर क्या करते हैं, कुछ चीज़ गिरवी रखवाई जाती है। जो गिरवी रखवाया जाता है, जमीन हो गई, गाड़ी हो गई, जो भी कुछ हो गया, जो गिरवी रखाया जाता है उसको रखा जाता है ऋणाधार। मतलब ये क्या है, ये उधार का आधार है, इस आधार पर ही हम आपको क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं। तो अब बहुसंख्यक जो ग्रामीण परिवार है उनके पास ऋणाधार नहीं हुआ करते थे, जमीने की पट्टे वट्टे या जमीनों के कागज या कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, जिससे कि वो गिरवी रख करके एक अच्छा खासा पैसा ले ले। पर महाजन सेठ व्यापारी उनसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो पैसे दे दिया करता था। तो इस कारण से क्या है, वो वंचित रहा करते थे, बैंकों की तरफ नहीं जाया करते थे। प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्यता की भाव बढ़ाता है। तो आप अब पर जो स्वयं सहायता समूह है उसमें आप बहुत कम, आपको मतलब खुद बहुत कम कम आप सेविंग कर सकते हो और अपने आप को एक बेहतर स्तर पर लेकर के आ सकते हो। इस प्रकार एकत्र राशि में जरूरतमंद सदस्य को ऋण दिया जा सकता है। और अब आपने जैसे मैंने कहा ना कि भाई 15,000 रुपये जोड़ लिए, अब कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो वो ले लेगा, फिर कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो वो ले लेगा।
उस ऋण की राशि छोटी छोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है, ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। तो स्वयं सहायता समूह में क्या है कि जो ऋण की राशि होगी वो छोटी छोटी आसान आसान किस्तों में चुकाई जाएगी। जैसे भाई मान लीजिए 2,000-3,000 रुपया लौटा देगी हर महीने, और उस पर जो ब्याज लिया जाता है वो ब्याज भी बहुत कम लिया जाता है। मई 2019 तक 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह में, लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। मतलब भारत में मई 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। मतलब 54 लाख ऐसे स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं जो कि महिलाओं के हैं। 54 लाख बड़ी बात है। और इनमें कितनी सदस्य हैं? 6 करोड़ महिला सदस्य जुड़ चुकी हैं, जो कि खुद के डिसीजन ले पा रही हैं, खुद के स्वरोजगार के लिए, खुद के काम धंधे चालू करने के लिए पैसा जोड़ रही हैं, और पैसा जोड़ कर करके खुद का कुछ काम कर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। कितनी अच्छी बात है। आप देख रहे हैं, छोटा सा इनिशिएटिव, जो छोटी सी पहल है, वो कितना गजब का काम कर गई। यहाँ पे तस्वीर दिखाइए एक स्वयं सहायता समूह की, जो मीटिंग है उस मीटिंग की। लगभग 10,000 से 15,000 रुपये प्रति SHG और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता को CISF का सृजन किया जाता है। अब देखिए, 10,000 से 15,000 रुपये प्रति SHG, ठीक है, हर स्वयं सहायता समूह को 10,000 से 15,000 रुपये, और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष यहाँ पर सृजन किया गया है। मतलब कोशिश है कि 10,000 से 15,000 रुपये हर SHG के नाम पर सरकार उसमें डालें और 2.5 लाख रुपये अलग से उसकी निधि डाली जाए, जिसके फलस्वरूप आय सर्जन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे महिलाएं अपना पैसा जोड़ जोड़ करके स्वरोजगार का काम कर सकती है, अपनी आय को बढ़ावा दे सकती है, और इस प्रकार का जो काम है इसको अति लघु साख कार्यक्रम कहा जाता है। लघु मतलब बहुत छोटा, ठीक है, लघु मतलब छोटा और अति मतलब बहुत छोटा, तो बहुत छोटे स्तर का साख कार्यक्रम यहाँ पर है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। तो स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के सशक्तिकरण में, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट, महिलाओं को मजबूत बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब महिलाओं के पास थोड़ी थोड़ी बचत हुआ करती थी, उससे वो अपने घर के कामकाज भी कर लिया करती थी, उन पैसों को जोड़ करके खुद का कोई धंधा भी शुरू कर लेती थी, फिर वो धंधा धीरे 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 बढ़ता जाता था। मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है, ये तो आधुनिक भारत की महिलाओं की तस्वीरें हैं जिनके हाथ में लैपटॉप है, ठीक है, और ये जरूर कुछ खेती बाड़ी के रिगार्डिंग देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे गाँव में खेती बाड़ी को सुधारा जा सकता है। इन ऋण सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है, कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए वे क्यों नहीं करते? अब ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए, ज़्यादातर क्या हो रहा है, चाहे स्वयं सहायता समूह हो या कोई किसान बैंक से लोन ले रहा हो, या मान लीजिए सेठ से, महाजन से, साहूकार से, कहीं से भी अगर ज़्यादातर लोग पैसा उधार ले रहे हैं, वो अपने घरेलू खर्चों के लिए ले रहे हैं। किसी की शादी के लिए ले लिया, ठीक है, कोई बाकी कोई घर में और कुछ काम पड़ गया, घर के कामों के लिए ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि भैया, वो उत्पादन के उद्देश्य से वे क्यों नहीं कर रहे? आज भी आप देखिए, जितने भी स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा बनाए गए, ये नहीं सोच रहे कि हमें स्वरोजगार करना है, हमें खुद का कुछ काम धंधा शुरू करना है। वो एक्चुअल में इस बार देख, मेरे उस रिश्तेदार की शादी है, तो ये 15,000 रुपये इस बार मुझे दे दो, मैं जोड़ करके रख लूँगा, ठीक है। तो खुद के उन घरेलू कामकाज से, मतलब ये आप चीज़ देखिएगा कि व्यक्ति जितना ज़्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व होता है, उसका बहुत खर्चा होता है। आज आप देखिए, बड़े लोगों के इतने खर्चे नहीं है, शादी में इतना पैसा खर्च करना और करना, वो गए 2 मिनट में टक 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 बस ऐसा। पर आज अपन जैसे जो मध्यम क्लास के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, शादियों में 10-10 दिन पहले जाना है, ये ऐसा खर्चा वो खर्चा, खूब पैसे खर्च हो जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल शादी 20-25,000-30,000 रुपये के नीचे आ जाती है। अब उस गरीब व्यक्ति के लिए मतलब एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, फिर ये देना है, ये कपड़े देने हैं, ये लेने हैं और करना है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जितने भी परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार है, ये अपने उत्पादकता को बढ़ाने के जगह क्या कर रहे हैं, घरेलू खर्चों पे पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि आप या ये खरीद लें या ये इस काम के लिए कर लें, बाकी उत्पादन को बढ़ाने पर नहीं कर रहे। तो ये बड़ा सवाल हमारा बनता है। अब बात करते हैं ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्रामीण बैंकिंग की, ठीक है, और उसमें भी कैसा आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि ग्रामीण बैंकिंग कितनी सफल हुई है और कितनी असफल हुई, दोनों बातें देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, दोनों देखेंगे। बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएं और सुविधाएं देने तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है।
तो देखो बैंकिंग व्यवस्थाओं के त्वरित प्रसार का, ठीक है, जो बैंकिंग व्यवस्था है अब इनका प्रसार हो रहा है, मतलब गांवों में भी है, शहरों में भी, हर जगह धीरे धीरे बैंकिंग व्यवस्था का जो प्रसार होता जा रहा है उससे ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, ठीक है, दोनों में उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है, रोजगार में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद साग सेवाओं को बढ़ा दिया गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे किसानों को उधार दिए जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जितनी भी उत्पादन आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण सरकार उनके बैंकों के द्वारा दे रही है। मतलब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब कह सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुए जिससे कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उसको सुधारा जा सके, और स्पेशली हरित क्रांति के बाद तो ये बहुत अच्छा काम हुआ कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने के, सस्ती दरों पर ऋण देने के काम सरकार कर रही है। ये रूरल बैंकिंग को आपको दर्शाया है, बैंकिंग है, अब इसको आप रूरल मान लीजिए, अर्बन मान लीजिए, अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है। हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं। तो अब हम ऐसा कहते हैं ना, अकाल आया था, उस समय एक अकाल आया था, वह बहुत, जब खाने पीने के लोग भूखमरी हो गई थी, हो गए थे, अब तो बहुत समय हो गया, अकाल का नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने। और आज हमारे पास खाद्य सुरक्षा, क्लास 9th में पूरा चैप्टर था खाद्य सुरक्षा, आज हमारे पास खाने पीने की इतनी निर्भरता है कि हमें किसी दूसरे देश से लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास जो भंडार है वो बिल्कुल बहुत पर्याप्त है, आज हम खुद दूसरे देशों को देते हैं, तो मतलब आज हमारे पास जो भंडार है वो पर्याप्त है। और ये भंडार कैसे पर्याप्त हुए, मतलब उत्पादकता बढ़ी होगी, प्रोडक्शन बढ़ा होगा, और प्रोडक्शन बढ़ने के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा बैंकिंग से आया होगा, इसलिए मतलब ग्रामीण बैंकिंग ने अच्छा काम करा है। किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है, ठीक है। तो एक बात जो हमेशा से मैं कहता हुआ आया हूँ वही बात यहाँ पर है, हमने बहुत कुछ अच्छा पाया है, हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, परंतु अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमारी ग्रामीण बैंकिंग बहुत ठीक है परंतु अभी भी उस उचित स्तर पर नहीं पहुंच पाई जिस पर हम देखना चाहते हैं। आज भी काफ़ी जगह पर बैंक नहीं है, काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बैंकों में नहीं आना चाहते, ऐसा क्यों? न ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती है और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। देखो न तो ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती है, अब जनरली क्या है, ऋण भी जो बैंकिंग भी क्या है करता है, उधार उन्हीं को देता है जो बड़े किसान होते हैं, अमीर वर्ग के लोग होते हैं, उन्हीं को ऋण दे रहा है। तो जिनको ऋण चाहिए, जिनको सच में उधार चाहिए, उन तक तो उधार पहुंच ही नहीं पा रहा है। और दूसरी, ऋण की जो वसूल करने की जो व्यवस्था है ना वो भी बिल्कुल सही नहीं है कि कैसे वसूल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ऋण वसूली की व्यवस्था, ऋण देने की और लेने की दोनों व्यवस्थाएं ठीक करना आवश्यक है। कृषि ऋणों को वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है, ये तो आप बहुत बार सुनते होंगे, आपने सरकारों के एजेंडाओं में सुना होगा कि इस बार आप हमारी सरकार बना दीजिए, हम किसानों के, सभी किसानों के जो जितने भी उधार हैं सब माफ कर देंगे, आप हमारी सरकार बनाइए, हम किसानों के सभी उधार माफ कर देंगे। ये उधार माफ करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि किसान लोन चुका नहीं पा रहा है। तो कृषि के जो ऋण होते हैं, जो किसान जो लोन लेता है, उनकी वसूली नहीं हो पाती, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है उसको जानेंगे। ये तस्वीर आपको दिखाई है नोटों की, कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, और कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने, जो जिन्होंने कृषि के लिए लोन लिया था पर अब वो वापस से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे, ये बड़ा सवाल है, ठीक है, कि किसान ऋण का भुगतान करने में असफल क्यों है, क्यों वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि जो किसान है वो कहते हैं, नहीं नहीं साहब, हमें तो ऋण नहीं दे पाएंगे, हमारे पास तो पैसा लिया था वो खत्म हो गया है, नहीं है हमारे पास, तो ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है। इसलिए सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार एवं उन्नति में कमी हुई है। तो सुधारों के बाद भी बैंकिंग क्षेत्र का जो प्रसार और उन्नति उसमें कमी आई है, क्योंकि वो बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जो पैसा दिया गया था वो उनको वापस नहीं मिल पा रहा। ये एक तस्वीर किसान की दिखाई गई। स्थिति में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में सभी वयस्कों को जनधन योजना नामक योजना के एक भाग के रूप में बैंक के खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें यह कहा गया कि सभी लोग क्या है, अपने खाते खुलवाओ जीरो बैलेंस पे। मतलब जनरली क्या होता है कि हर बैंक में जब आप जाओगे तो 500, 1000, 1500, 2000, 2500 रुपये आपको रखने पड़ते हैं, मिनिमम रखने पड़ते हैं, कम से कम जब तक आप खाता बंद नहीं करवाओगे आप वो निकलवा नहीं सकते। पर मोदी जी ने एक योजना चलाई और उस योजना के तहत सभी को बोला जीरो रुपए में आपका खाता खुल जाएगा। लोगों ने खुलवा लिया, लोगों ने खूब लोगों ने खाता खुलवाया। काफ़ी लोगों के मन में ये भाव था कि हाँ साहब मोदी जी 500 रुपये भेजेंगे, 1000 रुपये भेजेंगे, चलो खाता खुलवा लेते। तो देश की बहुत सी महिलाओं ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने, युवाओं ने, सब मतलब ज़्यादातर लोग क्या हो गए, बैंकों से जुड़ गए। इससे अच्छा फायदा ये हुआ, दो तीन फायदे। पहली बात तो अब बैंकिंग जो डिटेल्स है सारी सरकार के पास पहुंच गई, ज़्यादातर लोग बैंकों से जुड़ गए।
दूसरा फायदा ये था कि अब सरकार को, अगर जैसे मान लो आज एक मैं कोई गरीब वर्ग में आता हूँ और सरकार को मुझे 1000 रुपये ट्रांसफर करने, अब पहले क्या होता था 1000 उसके पास जाएंगे, 1000 में से फिर 10 रुपये कम होंगे, फिर और कम होंगे, फिर उस व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते तो वो 700-800 बचा करते थे और सरकार कहती थी हम 1000 दे रहे हैं। पर अब डायरेक्ट सरकार के पास बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट सरकार 1000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में डालती थी, वो मुझे मिल जाते थे। तो मतलब अब डायरेक्टली जो सरकार की जो पॉलिसी है वो जनता तक पहुंच पा रही थी, ये एक अच्छा काम इस योजना के थ्रू हुआ। उन बैंक खाता धारकों को 1-2 लाख रुपये में आकस्मिक बीमा कवरेज, 10,000 रुपये में ओवरड्राफ्ट सुविधाएं मिल सकती हैं और वे अपने वेतन, वृद्धावस्था पेंशन और सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकते हैं। देखो अब 1-2 लाख रुपए का तो आकस्मिक बीमा कवरेज, ठीक है कि अचानक आपको कुछ हो जाता है तो उसके बीमा की मतलब इंश्योरेंस के तौर पे 1-2 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट की आप फैसिलिटी वहाँ जाकर के बैंक में जाकर के चालू करवा सकते हो, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है बैंक में फिर भी आप बैंक से 10,000 रुपए ले सकते हो पर उस पर बैंक आपका इंटरेस्ट लेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो वो वेतन आपका डायरेक्ट बैंक में आ सकता है, आप वृद्ध हो मतलब आप बूढ़े हो और उसकी पेंशन आ रही तो वो डायरेक्ट बैंक में आ जाएगी, और भी सरकार के कोई भी सामाजिक सुरक्षा भुगतान, मतलब अगर आप कोई छात्र, आप बच्चे हो, आप लड़के हो लड़की हो, आपको छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो डायरेक्ट बैंक में आ जाएगी। न्यूनतम बैलेंस रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो कम से कम जो बैलेंस है वो रखने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि 0 पे था। इससे 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत और वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा दिया है। तो इससे करीबन 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवा लिए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बचत की आदत बढ़ चुकी है और जो वित्तीय संसाधन है उनका सही प्रकार से आवंटन हो रहा है। बचत की आदत कैसे बढ़ी, अब लोगों ने पैसा बैंकों में रखना शुरू करा तो उसमें थोड़ा ब्याज भी मिला और पैसा बढ़ा, तो ये अच्छा काम हुआ। बैंक इन खातों के माध्यम से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंड का विचलन भी कर सकते हैं। तो बैंक इन खातों के माध्यम से 1,40,000 करोड़ रुपए का विचलन भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, अब ऐसे पैसा लोगों जमा करा रहे हैं और करवा रहे हैं तो बैंक क्या कर सकता है, आपको पता है बैंक का काम होता है कि भैया बैंक के पास पैसा आएगा और बैंक उसको लोन पर देगा, तो मतलब अब बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। चलिए तो आज के लिए अपना इतना ही, आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।